रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हुआ है। 833 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसकी किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को होगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हुआ है। 833 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिनकी किस्मत का फैसला अब 8 दिसंबर को होगा। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिसमें प्रथम चरण में राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हुआ, जिसमें 63% मतदान किया गया, और दूसरे चरण में 14 जिले की 93 सीटों को लेकर मतदान पूरा हो गया है और यहां पर भी 60% से अधिक मतदान हुआ है। दरअसल दूसरे चरण का 93 विधानसभा सीटों में अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर समेत 14 जिलों शामिल हैं। इसमें भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की वीरमगाम सीट और अल्पेश ठाकुर की गांधीनगर दक्षिण सीट भी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच भाजपा कांग्रेस के वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसको लेकर बीजेपी ने तर्क पेश किया है कि कोई चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। बीजेपी ने कहा कि जितना पीएम मोदी जी को प्रचार करना था वो कर चुके, कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वह नरेंद्र मोदी ही है। बता दें कि गुजरात चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट भी डाला है। इसी दौरान चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाकर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। उन्होंने भी सामान्य लोगों की तरह ही लाइन में लगकर वोट डाला। उन्होंने लोकतंत्र के पर्व को लेकर मतदाताओं और चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। खैर, गुजरात में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है ये तो आने वाले 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प